सबसे बड़ा आर्ट ऑक्शन हो रहा है, यानी कला की नीलामी। देश विदेश के रईस और कलाकार ही यहाँ मौजूद है, जो भारत के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्रों के लिए बोली लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। संस्कृति हमारा है, नहीं चलेगी। और अब लॉट नंबर 13, 100 साल लापता रहने के बाद हाल ही में खोजी गई बेमिसाल पेंटिंग, मेनका और विश्वामित्र। सन 1893, चित्रकार राजा रवि वर्मा। 19वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद चित्रकार, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। खराब है अश्लीलता, नहीं चलेगी। हाल ही में कलाकारों और मीडिया के लोगों पर कई हमले हुए हैं और हिंसा और आरजानी की कई वारदातें भी हुई है। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे 2,40,00,000, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खूबसूरत पेंटिंग के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मुझे चाहिए 2,60,00,000। मेरे पास फोन पे भी डाइए 2,80,00,000 की। अब मुझे चाहिए 3 करोड़ रुपए। चार करोड़ 40, 4,60,00,000, 4,80,00,000। अब मुझे चाहिए 5 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, 6.5 करोड़ की बिट मेरे पास है और अब मैं मांग रहा हूं 7 करोड़। नो वन, I'm selling them. ₹7 crore, ₹7 crore, ₹2 crore. ₹7 crore, ₹3 crore. एक तू है मगर
रावी वामा, रावी वामा किधर है? रावी वामा जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या है? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये मेनका है, एक अप्सरा, और ये महर्षि विश्वामित्र। तुम लोग बहुत अजीब कहानी बनाते हो। इन्हीं अजीब कहानियों में एक देश की आत्मा छुपी है सर। लेकिन ये कहानियां बहुत ट्रबल क्रिएट करती हैं। आई हैव अ वॉरंट फॉर योर अरेस्ट। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? क्यों पकड़ा इन्हें? ये कलाकार है, कोई गुनहगार नहीं। तुम कौन? मैं राज वर्मा, इनका छोटा भाई। ये डर्टी पेंटिंग्स तुमने पेंट की है? नहीं, पर फिर पीछे हटो और चुप रहो। नेम? रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। फादर्स नेम? इसमें अविला नीलकंठन भट्टा त्रिपुर। स्लोली स्लोली। E.N. भट्टा त्रिपुर। मदर्स नेम? उमा अंबा। भाई का नाम राज वर्मा, नौकर का नाम पाचन, कमर 34 इंच, जूते का साइज 1.5 बिलांत। प्लेस ऑफ बर्थ? किलिमनूर। मैं तो बस एक बैकग्राउंड पेंटर हूँ, उनका साया, और वो एक महान चित्रकार बचपन से ही। रवि, ये क्या कर रहे हो? अगर महाराज ने ये देख लिया ना तो मेरा सर कटवा देंगे। महाराज आ गए। चलो चलो चलो। किसने किया ये? ये किसने किया है? क्षमा करें महाराज, क्या कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब ये मैंने किया महाराज, गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 IPC की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा, मुजरिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है, क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटर्स, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं।
हो जा। योर ऑनर और मेंबरान ज्यूरी, ये कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा। अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशक भी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है। योर ऑनर, इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? लगता है मेरे बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि जहां से मैं आया हूं वहां पर शादी के बाद पति पत्नी के घर जाके ही रहता है, और मेरी पत्नी राजकुमारी थी। ये क्या कर रहे हो? चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो। कैसा लगा? ओ, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो? मैं थक गई हूं। बस थोड़ी देर और है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ वो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे, तो फूल जैसे, तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तुम यही क्या? तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो।
सुध बुध मैं तो भूल गयो रे ओ दामिनी ओ दामिनी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। चींटी के भी पर निकल हैं। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रावणकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रावणकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई ये न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रवि चट्टा सब कुछ खत्म हो गया, महाराज नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक मैन में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, और ये राज्य दो राजाओं के लिए बहुत छोटा है, राजा रवि वर्मा। मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज, आपने मुझे मेरी दुविधा से मुक्त कर दिया।
राजा से रंग एक ही पल में, जैसे वो सब एक सपना था। काश हम अपनी जिंदगी बदल सकते। अगर हम बंबई नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। माधवराव जी अब बड़ौदा स्टेट के दीवान थे और उन्होंने हमें बंबई बुला लिया। वेलकम टू बॉम्बे रवि। उम्मीद है बंबई तुम्हें रास आएगी, इसे अपना ही घर समझो। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीवान साहब। मुझे तुम्हारी कला भी पसंद है और कलाकार भी। पता नहीं अब वो कलाकार जिंदा है भी या नहीं। चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से उस कलाकार को मरने नहीं देंगे। बंबई सपनों का शहर है, यहां काबिल इंसान की कद्र होती है। मुस्कुराओ अब और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म। मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो। न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा। मौसी हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बात शुरू कर, देखते हैं। कहाँ गई थी तू? अरे बावरी समझे है, बावरी समझे है, मोहे छेड़े हाँ छेड़े ये दो सखियां, अखियां खरे तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से। बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे, ज्ञान और कला की देवी।
आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है। बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है। मेरे बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी तो नहीं। जो भी जानता हूं मेरे लिए काफी है। आप मुझे कहां ले आए हैं दीवान जी? मेरे रंग रसिया, तुम्हारी रंगों की दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, विल यू प्लीज बी सीटेड? The meeting is about to begin. Indian National Congress हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ये संगठन है हमारी देश के निर्माण के। राजा रवि वर्मा। श्रीमान वायसराय कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं और ना कभी था। वो मान ही नहीं सकते कि बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग एकजुट होकर आजाद हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो गलत है। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं? सारी दुनिया की खबर रखने के लिए, वक्त के साथ साथ चलने के लिए Read Times of India, it's the voice of India. आपके पास 5 रुपया है? पूरे एक साल तक Times of India आपके घर पहुंच जाएगा every day without fail. Thank you. Have a nice day. पर तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं मालूम। Don't worry, मालूम है, राजा रवि वर्मा। पाचन जी, सुगंधा की कोई खबर? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ पता करके आओ। या रुको, कोई जरूरत नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? पाचन,
साहब से कहो इतना परेशान ना हुआ करें। इनसे कह दो कि परेशान ना किया करें। ये मजाक लगता है हा? ये मजाक है हा? अरे आचन, इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी नहीं? मुझ पे दाग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये दाग नहीं है, रंग है। जाते जाते कहीं स्वर्ग में ना चली जाना, गिर गई तो मैं नहीं डरती। मुझे आज एक पार्टी में बुलाया, चलोगी मेरे साथ? देवी, किसी पार्टी में? नहीं, सुगंधा। वहां और भी लोग होंगे, मैं नहीं जा सकती। तो फिर कहीं और चलते हैं। कहाँ? एक नाव लेकर समुंदर में निकल जाते हैं, दूर, कहीं दूर, जहां साथ हो सिर्फ लहरों का शोर और हमें देखने वाला सिर्फ चांद। और कहीं खो गए तो? तो एक टापू ढूंढ लेंगे। मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। रुक जाओ। कोई ना कोई हमारा टापू ढूंढ लेगा, आज नहीं तो कल। और फिर नमस्कार दीवान जी। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आप आए। आइए। नमस्कार। 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 नमस्ते। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या? हेलो फ्रेनी। हेलो। कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राउन साहिब जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। ये जो सेठ हीरा चंद है ना, इसने पाल रखी है, जवान है, उसकी पोती से भी छोटी। अरे ये तो 70 का होगा, भगवान जाने उसके साथ करता क्या होगा। ये तो मजाक है, आजादी का करोगे क्या, खाओगे? आपको क्या लगता है राजा रवि वर्मा, क्या हमें आजादी मिलनी चाहिए? जी मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं, पर इतना जानता हूं कि कला हमेशा आजाद है। This is a camera. It takes photographs. बिल्कुल असली जैसी तस्वीरें। सच? Can we have a look? Absolutely. Come. पाचन। चलो काम शुरू करते हैं, प्लीज आओ। कम गो। होने होने गो। दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ नीचे। दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ नीचे। उंगली खोलो और ऊपर की तरफ। हेलो रवि। हेलो फ्रेनी। My, you look lovely. Thank you. ये क्या है? क्या? कल तय किए थे ना नाटक देखने जाएंगे। Oh. रवि तुम हमेशा भूल जाते हो। I am sorry. अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं लेकिन हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम 5 मिनट बैठो, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। सुगंधा चलो।
चंदा चार दो फिर चले जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। वेलकम दीवान जी। रवि तुम्हारे लिए खुशखबर लाया हूं। हमारी जिंदगी का ये एक सुनहरा मौका था, बड़ौदा महाराज ने स्वयं हमें बुलाया था। जब हम यूरोप में थे हमने एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स देखी। क्या पेंटिंग्स, क्या पेंटर्स। हमें शर्म है कि हमारे यहाँ के पेंटर्स इतनी अच्छी पेंटिंग्स क्यों नहीं बना पाते। यूरोप जाओ, वहां की पेंटिंग्स देखो और हमारे दरबार हॉल के लिए कुछ कॉपीज बनाओ। माफ कीजिए महाराज, ये मैं नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो रवि? मैं समझाता हूं, आप मुझे गलत मत समझिए महाराज। हमारे देश में भी कहानियों का खजाना है, एक से एक महान कहानी, जिनको अगर दुनिया देखेगी तो तंग रह जाएगी। रामायण, महाभारत, मैं इन कहानियों को दुनिया को दिखाना चाहता हूं, मैं इनकी पेंटिंग्स बनाना चाहता हूं महाराज। तो बनाओ, आज से ही शुरू हो जाओ। कोई ये ना कहे कि हम हिंदुस्तानी कला को नहीं जानते। मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कर सकता। बहुत तैयारी करनी होगी, सारा देश घूमना होगा और समझना होगा कि ये कहानियां कहां से पैदा हुई हैं, और उसके लिए समय लगेगा महाराज। हम इंतजार करेंगे। दीवान जी, इन्हें जो चाहिए वो दीजिए। देखते हैं जितना अच्छा ये बोलते हैं क्या उतनी अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। जब ढोल बजे और खेत सजे, अंगड़ाई लेके सुबह जगे, तू वही कहीं था। गलबैया डारे फूल फूल, तेरे साथ हंसे थे झूल झूल, है बरगद नीचे तेरी धुनी। छंग छंग आले नूर तेरा हर पाती पर, हो बरसे तेरा रूप जमा जम चारों पहर। मैं अखियां नीचे तेरे पीछे आऊं ऐसे जैसे कोई खींचे दो। हर आज में तू, हर कल में तू, हर आहट में, हल चल में तू, हर जोग में तू, संजोग में तू, मैं तुझ में और मुझ में तू। अब चाहे महाराज को टेलीग्राम भेज दो, हम पेंटिंग के लिए तैयार हैं। ये सोने सोने दिन, ये चांदी चांदी रात, सैया ऐसा रंगीला लेके घूमे अपने साथ,
तुम्हारी सारी पेंटिंग्स यहां लगेंगी। मैं उन्हें टांगने का इंतजाम कर देता हूं योर हाइनेस। क्या कोई परेशानी? बेहिचक बोलो। बहुत कम लोग इन पेंटिंग्स को देख पाएंगे। काश ये पता चलता कि नॉर्मल लोग इन पेंटिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं तो। क्या मैं तुम्हें नॉर्मल लगता हूं? नहीं योर हाइनेस, मेरा मतलब था कॉमन मैन, आम आदमी, और आप तो कहीं से भी कॉमन नहीं हो सकते। ठीक है, पेंटिंग सबको दिखाओ। बहुत खूब, आम आदमी के लिए यह पहला आर्ट एग्जीबिशन होगा। क्या पेंटिंग्स तैयार हैं? नहीं योर हाइनेस, मुझे एक हफ्ता और लगेगा। ठीक है, एक हफ्ता, हम और इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुमने झूठ क्यों बोला? पेंटिंग्स तो तैयार है। अगर महाराज को पता चल गया तो इन पेंटिंग्स की जगह हमें ही टांग देंगे। तुम बस ये ध्यान रखना कि इन पेंटिंग्स को और कोई ना देख पाए। अरे अब जा कहाँ रहे हो? सुगंधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों बाद याद आई, मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने। छोड़ो, लोग देख रहे हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? पूछो मत, बस चलो। तुम जानते हो मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। एक बार मेरे लिए। रवि, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं।
तुमने यही मुझे ईश्वर का चेहरा दिखा दिया है। चलिए हटिए हटिए। हटो। रवि तुम सचमुच प्रसिद्ध हो गए हो। चिंतामणि जी खुद देखने आए हैं। आओ गुरुजी। नमस्कार। सुंदर, अति सुंदर। राजा रवि वर्मा और आप हैं चिंतामणि महाराज, सचिव धर्म रक्षा समिति, संस्कृत महाविद्वान, 15,000 मंदिरों के कर्ता थे। 18,000 श्रीमान। क्षमा कीजिए, 18,000 मंदिरों के। आपको हमारी धर्मरक्षा समिति का सदस्य बनना चाहिए। हम समाज के उद्धार के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो समय ही नहीं मिलता। समय निकालना पड़ता है, ये आप ही के हित में है। नए संबंध बनेंगे, पहुंच बढ़ेगी, संगठन की सारी शक्तियां आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। ये देवताओं की तस्वीर बनाने की अनुमति आपको किसने दी? स्वयं देवताओं ने। सच? सपने में आके? देवताओं का चित्रण मानव रूप में नहीं हो सकता। देवी देवता मंदिर में शोभा देते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं। और ये नियम किसने बनाए? आपकी संस्था ने? माफ कीजिए, मैं इस सब बकवास में विश्वास नहीं करता। घबंडी अथर्मी राज, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। इस पल को याद रखना। हटो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक एक करके भारत की महान कहानियां फिर जीवित होने लगी। देवताओं को चेहरे मिले, पहचान मिली। ये चित्र जैसे एक खोज थे, भारत की आत्मा की खोज। ओह, कामयाबी की खुशबू फिर से। राजा रवि वर्मा की शोहरत अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। राजा, महाराजा, अफसर, रईस, हर कोई जो कोई भी था, राजा रवि वर्मा के बनाए चित्र पाना चाहता था। कामयाबी की खुशबू और पैसे की गर्मी, दिमाग खराब ना हो तो क्या हो। गुड इवनिंग सर, मुझे पहचाना? मैं फालके, ढूंढी राज गोविंद फालके। मैं विल्सन साहब के साथ था सर, फोटोग्राफर। मुझे आपके साथ काम करना है सर। क्यों? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ सर। सब सीखा है मैंने, पेंटिंग, ड्राइंग, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी, एंड आई ऑल्सो नो इंग्लिश सर। कल आके मिलना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। शो। वेरी गुड। Very good. What is it? ये नकली है। क्या बक रहे हो? ये नोट जो आपने काउंटर पे कैश करवाया, ये जाली है। क्या बकवास है? तुमको कैसे मालूम ये असली है कि नकली? हमने पता करवाया। You're making a big mistake. I did not encash a fake note. दिखाओ मुझे। मुझे तो बिल्कुल असली लग रहा है। पर है नहीं, हमें आपको पुलिस के हवाले करना होगा। I've been in India for a year. Nothing like this has happened to me. Ruko.
पैसे मुझसे ले लो, यही असली नोट है मेरे ख्याल से। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आओ दोस्त। थैंक यू। मैं फ्रिस लाइशर जर्मनी से। मैं रवि वर्मा, एकदम इंडियन। क्या करते हो? मैं पेंटर हूं। और मैं प्रिंटर हूं। चीयर्स। पागल हो गए क्या? अब तुम प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हो? अरे अगर ये इतना असली दिखने वाला नकली नोट छाप सकता है तो सोचो हमारी पेंटिंग्स के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। हो तो मतलब अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी पेंटिंग्स की नकल छापो? यूरोप में ये लेटेस्ट क्रेज है। एक मशीन 500 प्रिंट्स छापती है 8 आवर्स में, 14 कलर्स में। आर्ट और टेक्नोलॉजी की परफेक्ट मैरिज। हाँ लेकिन इसके अलावा भी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। फैंटास्टिक, एकदम एक्सोटिक। एक पेंटिंग एंड 1000 प्रिंट्स सारे इंडिया में बेचो, यूरोप, अमेरिका, सारी दुनिया में। गरम केक की तरह बिकेंगी। पर मुझे केक पसंद नहीं है मिसेस लाइशर। यहाँ तुम कारोबार के बारे में क्या जानते हो? करेंगे तो जानेंगे ना मेरे भाई। कैसे कह सकते हो कि जालसाज तुम्हें धोखा नहीं देगा? मुझे पता है नहीं देगा। तो इस प्रिंटिंग प्रेस में लागत कितनी आएगी? कॉस्ट 200,000 रुपीज। 2,00,000 रुपए। थैंक यू मिस्टर स्लैशर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुको, हमारे पास बैंक में कितना है? लगभग 50,000। और अगर हम अपनी जमीन और सब कुछ गिरवी रखते तो? तुम क्यों आंख से खेल रहे हो? क्योंकि मैं उस बूढ़े का चेहरा नहीं भूल सकता जो मेरी पेंटिंग की पूजा कर रहा था, हमारी पेंटिंग की। क्या चल रहा है? अभी कम है। कितना? करीब 1,00,000। माधवराव जी को टेलीग्राम भेज दो, वो कुछ करेंगे। माधवराव जी कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं रहे। लोग आर्टिस्ट के चेहरे पे जिंदगी की चमक देखना चाहते हैं, मौत की परछाई नहीं। तुम्हारे सपनों को इन जैसे लोगों की जरूरत है। खुश देखो, कॉन्फिडेंट, तभी जो चाहते हो वो मिलेगा। और मुस्कुराओ, जब मुस्कुराते हो तो और भी अच्छे लगते हो। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। प्रिंटिंग प्रेस, गुड आइडिया। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, कमाल का आइडिया है। आपको तो फाइनेंस करना ही होगा। मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। पर क्यों? बिजनेस वो चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा सेठ जी। आपने कभी भी बिजनेस किया है? मेरे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं। बस इसीलिए मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। देखिए, एक कलाकार कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता और एक बिजनेसमैन कभी कलाकार नहीं बन सकता। सुनो, देखो, तुम्हें कला से खुशी मिलती है और मुझे सिर्फ पैसों से खुशी मिलती है। पार्टनरशिप करोगे? तुम कला संभालो, मैं बिजनेस संभालूंगा। और यकीन करो, हम बहुत पैसे कमाएंगे, क्योंकि धर्म से ज्यादा कुछ भी नहीं बिकता इस दुनिया में।
राजा रवि वर्मा के प्रिंट्स ने जैसे सारे देश को जोड़ दिया। पहली बार ये रंग बिरंगे प्रिंट्स देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंच गए। रवि वर्मा की नायिकाओं की पहनी साड़ी को भारत की स्त्रियों ने ऐसे अपनाया कि वो सारे देश की स्त्रियों की पहचान बन गई। चिट्ठियों की बाढ़ आई है, कभी सुना है? एक आदमी के लिए पूरा पोस्ट ऑफिस। तो आज बने हो तुम असली राजा और ये है तुम्हारी प्रजा। एक दो तीन चार पांच इधर मुंह। तुमसे मिलना था, कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। हमें कभी मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, सदियों से कभी नहीं। हमेशा से भगवान अंदर और हम बाहर। तुम उन्हें बाहर ले आए, हमसे मिलवा दिया। इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी, आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है, वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है। योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। पर ये व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। जिस चेहरे को लोग देवी मान रहे थे उसी चेहरे को लेकर इस आदमी ने ये अश्लील तस्वीरें बना डाली। कितने दिन हो गए तुमने कोई पेंटिंग नहीं की? क्या बात है? नाम है, पैसा है, प्यार है, सब तुम्हें चाहते हैं, फिर भी इतने उदास क्यों? ऐसे ही कुछ सोच रहा हूं। किसके बारे में? उर्वशी। उर्वशी, वो कौन है? एक स्वर्ग की अप्सरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी वही ना जो एक मानव से प्रेम करती थी? पुरुर्वा से प्यार करने लगी थी। पुरुर्वा? वो एक वीर राजा था, लेकिन था तो पृथ्वी का मानव ही। देवताओं ने यह संबंध स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? कि वो कभी भी एक दूसरे को अपने असली रूप में नहीं देख सकेंगे, निर्वस्त्र। और अगर ऐसा हुआ तो उर्वशी को हमेशा के लिए देवलोक लौट जाना पड़ेगा। और फिर? फिर वो सिर्फ रात को ही मिलते और वो सुबह होते ही चली जाती। फिर? पुरुर्वा था तो मानव ही, उसके लिए यह अधूरा सच काफी नहीं था, लेकिन उनका प्यार
इतना गहरा था कि देवताओं को भी जलन होने लगी थी। फिर एक रात जब वो अपनी साड़ी समेट कर जाने के लिए तैयार हुई तो पुरूर्वा जागा हुआ था। उसने लपक के उसका आंचल थाम लिया। तभी देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और अचानक एक बिजली चमकी। उर्वशी की साड़ी उसके कंधे से सरकी और उस रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया निर्वस्त्र। और फिर उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए देवलोक जाना पड़ा। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसे कितने चित्र हैं जो कभी कभी बनाए नहीं जाएंगे। क्यों? ये नग्न सत्य है, कौन इसके लिए मॉडल करेगा? डरते हैं हम अपने सच को पहचानने से, असल में आजाद होने से। हमारी कल्पना भी हमारे डर के दायरे में बंद है। प्यार करती उससे खाते ऑर्डर बुक सब जल गए। कुछ पास खरीदने होंगे। कितना लगेगा? करीब 30,000। मेहरबानी करके मेरी तरफ मत देखो। मैं तो ये बताने आया हूं कि अब ये पार्टनरशिप मैं तोड़ना चाहता हूं। ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकता मैं। तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। क्या फायदा जली हुई रोटी पर घी लगा के? नहीं, मैं सब लौटा दूंगा ब्याज के साथ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? आप मेरी पेंटिंग्स रख लीजिए। सारी सोच लो। प्रेस तो दोबारा शुरू करनी है ना? ठीक है। और फिर प्लेग की महामारी फैलने लगी। चारों तरफ मौत का साया, दर्द इतना
कोई सहे भी तो कब तक? प्लेग हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। अंग्रेज सरकार हमें चूहों की तरह मार रही है और हम चुप हैं। क्या हम चूहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। इस कलाकार के सारे चित्र चला देने चाहिए और उनके साथ इसे भी। टके टके के भाव में देवी देवताओं को बेचा है इसने। अंग्रेजों का पिट्ठू है ये। मिस्टर पंडित, ये अदालत है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं महाशय, ये एक षड्यंत्र का भाग है, हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। इसलिए तो देवता नाराज हैं, महामारी भेजी है उन्होंने। क्या मतलब? ये प्लेग, ये दैवी प्रकोप नहीं है तो और क्या है? हजारों मरे हैं, लाखों मरेंगे अगर इस पापी को रोका नहीं गया तो। अंग्रेजी बिटो, अंग्रेजी का नाश हो, अंग्रेजी का नाश हो। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? कोर्ट फैसला करेगी। पाचन कहां मर गया? घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। क्या क्या घूर रहे हो? सही लगे मेरे सर पे? पकड़ो इसको। पागल हो गए सबके सब। अरे भागता कहां है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will touch him. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो मारो मारो। रवि वर्मा ये बदबू कैसी? चूहे, चूहों ने गंदा किया है इन्हें। अब क्या करें इनका? करना क्या है, साफ पेंट के बीच में रख के पार्सल कर दो, रास्ते में फूक जाएगा। ये ठीक नहीं है। मैं इस कंपनी का पार्टनर, मुझे मत सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। 3,000 का घाटा होगा कौन उठाएगा? मेरे भाई, मैं और ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। इस ब्लैक के टाइम में तुम्हारी कला फलक की किसको पड़ी है? जाओ पार्सल कर दो, चला दो इन्हें। मैंने उनके सपनों को धुआं होते देखा है, वक्त से पहले उम्र को ढलते देखा है, दुखते हुए दर्द को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। आइए। चिंतामणि जी आए। विराजी, हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान, ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। पता करो कौन है। ना ही बसंता सुबह।
आओ रघु। बोलो इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हजाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की, ये देखो। मैं जानता हूं। जानते हो? मुझे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry. तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है, क्योंकि तुम बिजनेस में नहीं हो, पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया, तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया, धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शौहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो, ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा, बस बात हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि, ये सारा प्रेस मेरा है। यू स्काउंडरल, complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body. If you don't get well, who will pay my bill, huh? You're not going to get rid of me yet. That's good. That's good. Fritz, come. I hope it's not the plague. No, I suspect diabetes. Madras competition. पेंटिंग भेजी थी ना? जी भेजी थी। क्या हुआ? इनाम मुझे मिला। ये जीत गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपनी पेंटिंग भी भेजी।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी जीत सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रह के तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं तुम्हारा भाई होके खुश हूँ। पागल हो तुम, मैं भी पागल हूँ। वक्त तेजी से बदल रहा था, सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मशीनें जैसे जीवन पे हावी होने लगी थी और एक दिन ऐसा अजूबा देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी। ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रेट इनोवेटर्स ऑगस्ट एंड रेनी मियर फ्रॉम फ्रांस, आई मैलिन सेस्टियर प्रेजेंट बिफोर यू the wonder to beat all the wonders, the cinematograph, the magic of moving pictures. तुम दिखे नहीं शो के दौरान, कहां गायब हो गए थे? मैं मदद कर रहा था सर प्रोजेक्टर चलाने में। तुम्हें आता है चलाना ये? जी। तो फिर अपना क्यों नहीं शुरू कर लेते ये सिनेमा? सिनेमेटोग्राफ। हाँ वही। मन तो बहुत करता है सर, पर पैसे बहुत लगेंगे, पता नहीं कब होगा। होगा, और जब होगा तो मुझे अपना चेला बनाओगे या नहीं? सब हो गया, चलते फिरते चित्र कमाल है। सुगंधा भाई आना नहीं चाहती। फ्रिट्स, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? ताजे प्रिंट की खुशबू में। क्या तुम ये प्रेस खरीदना चाहोगे? क्या? अगर मैं ये केस हार गया तो वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे और ये प्रेस भी, और मैं नहीं चाहता कि उस गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम्हें इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे, प्रेस की कीमत तो इसे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। सिया गुट, तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितने उसको वर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। ए, सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए।
They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी, जो तुम नहीं आई। ओ, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है? बस सुगंधा। कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा? सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया, अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा, तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधा भाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये? क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया, या पैसों का लालच दिया, या बहलाया फुसलाया, क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधा भाई? जवाब दो सुगंधा भाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये, जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए, हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया, और आपने उसे वेश्या
मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई थी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन है ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे, मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं, अजंता, अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुक्त हो गया। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री, जो छली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से। और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं। बहुत बड़ा दोषी। सच तो यह है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं, जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया, तो कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है, बंद के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है Ha ha ha!
इस सनसनी खेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कैद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। काश मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में जी सकती, पर मैं एक औरत हूँ, कोई देवी नहीं। तुम्हारे चित्रों की दुनिया में जीने के बाद असली दुनिया बेमानी लगती है। मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे विश्वास है कि समय तुम्हें सही साबित करेगा, पर क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने असली रूप में देखा है, उर्वशी की तरह अब मुझे भी जाना होगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए अपनी आंखें मूंद लेना, मैं आ जाऊंगी। रवि, दुनिया से कब तक छुपते रहोगे? पता नहीं, अब कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को सजाते रहे हो इस तरह? मैं कौन होता हूं? ये तो देवताओं का खेल है। तो शायद तुम्हें देवी देवताओं की तस्वीरें बनाना छोड़ देना चाहिए, असली लोगों की पेंटिंग्स बनाओ, उनके असली दुख दर्द, असली हंसी खुशी, असली जिंदगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज अनदर मास्टरपीस बाय राजा रवि वर्मा एंड माय स्टार्टिंग बिट इज
समय